हेलो गाइज, प्लीज फुल वाचिंग करें, शेयर करें और लाइक करें मेरी वीडियो को। इसके लिए मैंने पहाड़ी किनोरी राजमा लिए हैं और रात को भीगने डाल लिए थे। अब मैंने इसको कुकर में डालकर 5-6 सीटी लगाकर पका लिया है, जिसको अब कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले सरसों का तेल ले लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगता है। और ये वाली राजमा जो मैं बना रही हूँ, ये सर्दियों में ही ज़्यादातर बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत स्वादिष्ट भी होती है। तो प्लीज़ ये वाली रेसिपी आप प्लीज़ फुल वॉच करें। अब सरसों का तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ज़रूरी होता है, मेथी दाना राजमा में। तो राजमा वाली दाल में आप प्लीज़ इसमें मेथी ज़रूर डालें। और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी है। अब एग्जॉस्ट फैन में बाहर चला रही थी, इसलिए मैंने कि धुआं बाहर निकल जाए, भाप वगैरह होती है जो तड़के की। प्लीज आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, फुल वॉच करें। और जो मेरी कम्युनिटी है उस पर भी आप LTR दें कि आप दिया करें, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन हमारी वीडियो देखता है। कमेंट भी ज़रूर करें। और मैंने इसमें नमक डाल दिया है 1.5 चम्मच और मिर्ची भी डाल दी है। हरी मिर्ची भी डाली थी, वो ज़्यादातर लगती नहीं है क्योंकि राजमा में तो ऐसी भी चटपटी है, राजमा अच्छी लगती है दाल। ज़्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, फिर भी ये मैं जो बना रही हूँ अच्छी तरीके से बना रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, जो मैंने चॉप किया था इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था, क्योंकि अक्सर सर्दियों में टमाटर भी जल्दी नहीं पकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको पहले से ही ज़्यादा चॉप कर दिया था। और अब मैं इसमें चारों तरफ घुमा दूंगी, मैं मिक्स कर दूंगी।
गाइस आप प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सभी का मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ दिल से कि आप मेरे चैनल पे हमेशा ऐसे जुड़े रहें और मेरी वीडियो पे बने रहें। और अब तड़का तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दूँगी राजमा की दाल जो मैंने उबाली हुई है। ये वाले जो किनोरी राजमा पहाड़ी बहुत टेस्ट होते हैं, हमारी यही बनाते हैं सर्दियों में। आपको ये वाली रेसिपी राजमा वाली कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक करें। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा भूनकर जीरा, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है राजमा में। और हरा धनिया भी डाल दूंगी। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।